जिस द्वार से बच्चा मल त्याग करता है ना, उस जगह पे लगा देना, चुन्नियां खत्म हो जाएंगे, बच्चा आराम से रह जाएगा, नींद आने लगेगी। हैं बाबा जी ये क्या बोल बैठे? पर ये अगर इतना ही सुनोगे तो ये ऐसे लगेगा कि ये बाबा जी क्या बोल बैठे, लेकिन इस वीडियो को और पूरा लंबा सुनोगे तब सच्चाई पता लगेगा। ये सब क्यों बोला और क्या पूरी बात है वो ये वीडियो पूरा देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप बिस्नो ही हो तो आपको बहुत कुछ अपने आप में चेंज करने की जरूरत है। आइए सुनते हैं ये पूरा वीडियो। भगवान श्री जाम्बूजी के बताए हुए नियम आज के नवयुवानों को ऐसे लगता है जैसे हमारी स्वतंत्रता में व्यवधान करते हैं। ये नहीं खाना चाहिए, ये नहीं पीना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ऐसे नहीं बैठना चाहिए, ये सब चीजें आपको लगता है कि व्यवधान हो रहा है। लेकिन जैसे सड़क पर चलती हुई गाड़ी है, उस गाड़ी में ब्रेक का उतना ही महत्व है जितना एक्सीलेटर का है, ब्रेक के पेंडल का भी उतना ही महत्व, उतनी ही उपयोगिता है जितनी की रेस के चमचे की। खाली अगर रेस वाला एक्सीलेटर दबाती जाओगे तो हो सकता है कि मंजिल तक ना पहुंचो। गाड़ी में बैठे हुए यात्रियों को सुरक्षित मंजिल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ब्रेक की होती है। ब्रेक से कंट्रोल होने वाली गाड़ी ही ठीक समय पर सुरक्षित आपको अपने मंजिल तक पहुंचाती है। इसी तरह आपका जीवन उच्छृंखल ना हो, आपके आचरण में उदंडता ना आए, इसके लिए भगवान श्री जाम्बूजी ने 29 नियम बताए, ताकि इस संसार में इस मानव जीवन की यात्रा सुखपूर्वक पूरी करते हुए जीवन के परम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त हो जाएं आप। इस उद्देश्य से भगवान श्री जाम्बूजी ने 29 नियम बताए। ऐसी विचारधारा रही है कि सिर साटे रूख रहे तो भी सस्तो जा। वृक्षों के प्रति ऐसा समादर, वृक्षों की ऐसी महत्ता, हमारे पूर्वजों ने भगवान श्री जाम्बूजी की आज्ञा से स्थापित की। आज सारी दुनिया वन का संरक्षण और वन को बढ़ाने के लिए प्रयासरत है कि पृथ्वी पर पेड़ पौधे रहेंगे, हरे वृक्ष रहेंगे तो ये पृथ्वी आबाद रहेगी। अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो मनुष्य जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो आज के समय की ऐसी महत्ता है कि आज इस पृथ्वी पर ऐसे किसी भी भूभाग की कल्पना नहीं कर सकते जहां पेड़ पौधे ना हो, जहां पशु पखेरु ना हो। अगर पृथ्वी पर ऐसा कोई भूभाग है जहां पेड़ पौधे नहीं है, कोई पशु पखेरु नहीं है, तो वह मानव जीवन का भी अस्तित्व नहीं है। तो इस मनुष्य के सुख के लिए, इसकी समृद्धि के लिए ब्रह्मा जी के द्वारा पेड़ पौधों की सृष्टि की गई है। तो इनकी रक्षा करना, इनको बढ़ाना, यह हर एक मनुष्य की जिम्मेदारी है। हर एक मनुष्य, ये बूचो जी की भूमि है जिन्होंने खेजड़ियों के लिए बलिदान दिया, लेकिन यहां किसी भी खेत में एक भी ऐसी खेजड़ी नहीं है जिस पर कोई कबूतर, कोई मोर, कोई कमेड़ी आश्रय ले सके। क्या क्या महत्व है इस मेले का, किस लिए आप आयोजित कर रहे हैं ये मेला, क्यों? जिन पेड़ों से आपको सांगरी लेनी चाहिए थी, छाया लेनी चाहिए थी, और उनकी छाया में, उनकी टहनियों में मोरों को, पक्षियों को आश्रय दिया परमात्मा ने, उनका आश्रय स्थल बनाया, उनका घर बनाया भगवान ने, और आपने कमर कस करके उनके घरों को तोड़ने का निश्चय कर दिया। खबरदार, कोई मोर अगर खेजड़ी पे बैठ जाए, क्या मजाल मेरे रहती हुई। क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं, क्यों जुल्म कर रहे हैं ऐसा? क्या ये अत्याचार नहीं है? क्या ये हिंसा नहीं है? अगर खेजड़ी के ऊपर टहनिया नहीं है तो मोर कहां बसेगा, कहां अंडे देगा, कबूतर कहां बसेगा,
चिड़िया कहां बसेगी, गेरी कहां बसेगी, बताइए। तो क्या ये हिंसा नहीं है? क्या आप अनजान में ही, अनजान में एक हिंसा नहीं कर रहे? और इन पेड़ों को काटने के कारण इनकी टहनियों को हर साल आप काट के और एकदम ठीक ठाक बना देते हैं, और इसकी वजह से मोर खत्म हो रहे हैं। 50 साल पहले यहां मोरों की संख्या क्या थी, कबूतरों की, कमड़ियों की संख्या क्या थी, अब कहां है वो, कहां है वो? क्योंकि इनके रहने की जगह ही नहीं रही, और रहने की जगह नहीं रही तो आपने सब नष्ट कर दिया। तो यही होगा, एक थोड़े से स्वार्थ के लिए। एक बात बताइए, खेत में घुसी हुई बकरी को निकालने के लिए ऊंट को खेत में घुसा देना क्या लाभ का सौदा होगा? बताइए ना, बकरी से उतना नुकसान नहीं है जितना ऊंट से है। तो बकरी को निकालने के लिए आप ऊंट घुसा रहे हैं थोड़े से लाभ के लिए, बोरे दो बोरे चारे के लिए या हरी पत्तियां मिल जाती है, उतने मात्र के लिए आप कितने जीवों का आश्रय नष्ट कर रहे हैं, कितने जीव जो वन्य जो जीव हैं, पशु पखेरु नष्ट हो रहे हैं, उसके लिए अनिवार्य रूप से आप जिम्मेदार हो गए। क्या उसका जवाब नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा, अवश्य उसका हिसाब आपको देना होगा। तो एक तो मेरा आप लोगों से ये आग्रह है, ये पेड़ों की छंगाई का काम, अरे दो चार साल में एक आध बार थोड़ा बहुत कोई छंगाई कर दे तो अलग बात है, आपने तो कुछ रखा ही नहीं है उस पर। हर एक खेजड़ी को देखो आप, जिस खेजड़ी की छंगाई नहीं हुई है उसके डालों को देखो, और जिनकी हर साल छंगाई होती है उनको देखो, जिस सिरे से आपने संगाई की है वहां से इतनी बड़ी बड़ी गांठें हो गई है, और उससे आगे उस खेजड़ी की ग्रोथ हो नहीं रही है। हर एक सिरे पर, हर एक डाले पर इतनी मोटी मोटी गांठ हो रही है, इतनी इतनी, और वो इस बात का प्रमाण है कि धीरे धीरे ये पेड़ नष्ट होने वाला है इस संगाई के कारण। किसी भी वनस्पति विज्ञानी से पूछ के देखिएगा कि किसी भी पेड़ की जरूरत से ज्यादा छंगाई उसको नष्ट करती है या नहीं, आदत पड़ गई है और कुछ नहीं, बहुत बड़ा लाभ भी कुछ नहीं है, बस आदत पड़ गई है, सब करते हैं हम भी करेंगे। जरा हिसाब लगा के देख लीजिए कि खेजड़ियों को छांगने से आपको कितना लाभ हो रहा है, और अब तो उससे महाराज ईंधन भी नहीं मिल रही है, क्योंकि इतने इतने घोचों की क्या ईंधन होगी बताओ, छह एक महीने में घोचा कितना बढ़ेगा बेचारा, इतना सा। तो ये भी एक तरह का जुल्म है जो आप इन इन पेड़ों के आश्रय बसने वाले पशु और पखेरुओं के प्रति कर रहे हो, इसे बंद कर दीजिए। कम से कम इसमें तो आपका कुछ जाएगा नहीं, इसमें तो रति भर भी आपकी हानि नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि व्यसन, जर्दा वर्दा खाने की आदतें पड़ गई है, गुटखा खाने की आदत पड़ गई। हमारे संतजनों ने तो ऐसा कहा है कि अगर मल्लेच्छ को देखना हो, मल्लेच देखा ना कि जो तंबाकू खाता है, जर्दा खाता है, वो ही असली मल्लेच है। जर्दा खाने वाले आदमी को गो हत्या करने के बराबर पाप लगता है। और एक बात बताऊं मैं आपको, काफी समय पुरानी बात है ये, मुझे एक बुजुर्ग ब्राह्मण ने ये बात बताई थी। मैं भी 81 साल का बुजुर्ग ब्राह्मण था, सांचोर में मिला मुझे, उसने बात बताई अपने बचपन की। ब्राह्मण ने अपने बचपन की बात बताई, बोले महाराज हमारे घर पर एक बार की जब हम छोटे छोटे बच्चे थे, एक बिश्नोई औरत आई और उसने आकर के हमारी दादी जी से कहा कि हमारा ये बच्चा है, ये दिन भर तो खेलता है लेकिन रात में रोने लगता है, पूरी रात रोता है। चार पांच लड़कियां थी और पांच लड़कियों पर लड़का हुआ था, बहुत ज्यादा लाडेसर था। उस बूढ़ी ब्राह्मणी ने देख करके कहा, बोले बेटा चिंता करने की कोई बात नहीं है, तेरे बच्चे को कोई रोग नहीं है, इसको चुन्नी हो गई, ज्यादा मीठा तुमने इसको दूध पिलाया उससे, तो इसका इलाज आसान है, पास में दर्जियों का घर है, वहां बूढ़ी माई है, उसके पास चली जाओ, वो इस बात की काफी जानकारी रखती है। वो विष्णुई औरत अपने बालक को लेकर के उस दर्जन के पास गई और उसने कहा कि बेटा एक काम करना, जर्दा लेकर के, ध्यान से सुनना, जर्दा खाते हो तो सावधान हो जाना। वो बोले जर्दा लेके उसको बांट करके बच्चे के गुदा द्वार पर, जिस द्वार से बच्चा मल त्याग करता है ना, उस जगह पे लगा देना, चुन्नियां खत्म हो जाएंगे, बच्चा आराम से रह जाएगा, नींद आने लगेगी। अब वो औरत सोच में पड़ गई,
तो उस बूढ़ी दर्जन ने कहा कि बेटा सोच क्या कर रही, यही सोच रही होगी कि जर्दा कहां से लाऊंगी। अरे जर्दा तो मेरा छोरा वो सिलाई करने गया है, कहीं ढाणी में अभी आ रहा होगा। बोलो खूब कोट बांध के रखता है, मुट्ठी भर ले जाना। वो बोली माई मेरे को ये चिंता नहीं है कि जर्दा कहां से लाऊंगी, मुझे चिंता ये है कि पहले तो जर्दा जब हाथ में लूंगी तो मेरे हाथ दिया बत्ती करने लायक, दान पुण्य करने लायक नहीं रहेंगे, और फिर वो जर्दा बांट करके बच्चे के मल द्वार पर लगाऊंगी तो मेरे बच्चे का मल द्वार भी विदुष हो जाएगा। ऐसे बिश्नोई जिनके बालकों के मल द्वार जर्दे से विदुष हो जाते थे, दूषित तो हो जाते थे, वो ही बिश्नोई जर्दा मुंह में डालते हैं तो फिर बाकी क्या रह गया है कि ये मौत नहीं आती है, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं रहा है, वो आ नहीं रही है, इंतजार कर रही है। जर्दा खाना, दारू पीना, अमल लोडा पोस्त ये सब, और जोर करते हैं कि वीनू यहां, वीनू यहां, वीनू यहां, हाई तो यहां कहीं होगी, हाई तो हाँ करते रहो, देखते रहो क्या होता है। लोग हंसी उड़ाते हैं कि ये अच्छे बिश्नोई जर्दा मुंह में, और बोलते बिश्नोई कह रहे तुम्हारे दादा कैसे थे, परदादा कैसे थे, उनको याद करो, और तुम कहां से कहां जा रहे हो। तो मेरा निवेदन है कि आप लोगों को इस अवसर पर एक तो खेजड़ी नहीं छांगने का संकल्प लेना है, और एक नशा किसी भी प्रकार का न करने का संकल्प लेना है कि हम नशा नहीं करेंगे। भगवान जाम्बोजी के बताए हुए मार्ग पर हम दृढ़ता के साथ चलेंगे, ऐसी प्रतिज्ञा करनी है कि प्राण जाए पर वचन न, नेम पर रहेंगे, भले कितने कष्ट उठाने पड़े, भले कितने अकेले ही रहना पड़े, लेकिन रहेंगे नियम पर, ऐसा मन में संकल्प होना चाहिए। सब्सक्राइब करें जमसार यूट्यूब चैनल, लेटेस्ट वीडियो अपडेट पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें।